Now, next we have another topic, the Earth, a suitable planet for living beings. All living beings require air, water, food and sunlight. Living beings को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? Air, water, food और sunlight की. The sun rays take nearly 8 minutes to reach the Earth. सन की रोशनी को अर्थ पर पहुंचने में कितना मिनट्स का टाइम लगता है? तो 8 मिनट्स का टाइम लगता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा हॉरिजन. द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड स्काई अपीयर टू मीट इज नोन एज हॉरिजन. किसको कहते हैं हॉरिजन? तो लगता है जैसे हम कहीं खड़े होते हैं तो क्योंकि हमारा अर्थ का देखने से कैसा लगता है? अर्थ क्या है? एक अर्थ का एक स्मॉल पार्ट हमको दिखता है और जब हम खड़े होते हैं कहीं पे तो लगता है कि स्काई और अर्थ मिल रहा है. उसी का एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. अर्थ और स्काई कभी नहीं मिलता है, हम लोग को ऐसा फील होता है. अब हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे. द अर्थ इज राउंड एंड स्फेरिकल इन शेप. पहले पीपल को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन उसके बाद ये तीनों पर्सन्स आए जिनको कि ये दोनों कोपरनिकस और एरिस्टोटल, जिन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ का कोई एजेस नहीं है. अगर अर्थ का एजेस होता तो वो फ्लैट होता. नेक्स्ट हमारा फर्डिनेंड मैगलन आए, जो ये पुर्तगीज सेलर थे जिन्होंने अपना ट्रैवलिंग स्पेन से शुरू किया और वो लगातार 3 ईयर्स वो घूमते रहे और घूमते घूमते लास्ट में अपने उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां से उन्होंने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था. और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ क्या है? राउंड है. ओके, चलिए अब हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग कर ले. फर्स्ट है प्लैनेट, जिसका मतलब होता है ग्रह. नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, सौर मंडल. थर्ड स्पेस, अंतरिक्ष या फिर आकाश. फोर्थ अनिवेल, असमतल या असमान. नंबर फिफ्थ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल या फिर वातावरण. नेक्स्ट है रोटेशन, चक्कर या फिर परिक्रमण. नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन, परिक्रमा. नेक्स्ट हॉरिजॉन, क्षितिज या फिर सीमा. आपको पढ़ने में सुविधा होगी, समझने में आसानी होगी चिल्ड्रन. नाउ ऑल चैप्टर, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर, जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी. ओके, थैंक यू, टेक केयर.